Ruskou zdravně, jsem pryčí. तो सबसे पहले आपका पाइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अब ब्लैक बैकग्राउंड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। आपको जो है यहाँ पे साउंड इफेक्ट, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब जो बीट्स हैं वो यहाँ पे हमें मार्क करना है एक एक करके। आपको वीडियो को बार बार क्लिक करना है और बार बार बीट्स को ध्यान से मार्क करना है। अब आपका जो नूब वाला इमोट है उसको यहाँ पे ऐड करना है, जो आपने रिकॉर्डिंग किया था एडम के साथ। इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेना है आपको। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से ट्रिम कर देना है। अब जो ये कैरेक्टर का बैठने वाला पोज है उसको ध्यान से बीट के बीच में ऐड करना है हमें। ध्यान से इसको धीरे धीरे इधर करते हुए एकदम बीट के बीच में इसको बैठाना है कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर का जो खड़ा होने वाला पोज है उसको यहाँ पे कैप्चर करना है और एकदम वीडियो के शुरू पे ऐड करना है। अब कैप्चर वाले इमेज का एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको यहाँ से आपको ट्रिम कर देना है। अब आपके जो प्रो वाले इमोट्स है उसको यहाँ पे ऐड करना है। जो एडम ने जो इमोट अभी परफॉर्म किया वही वाला इमोट आपको प्रो ड्रेस के साथ भी परफॉर्म करना है और वही वाले क्लिप को यहाँ पे ऐड करना है। अब इस वाले क्लिप को आपके ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है और दोनों कैरेक्टर को एकदम सेम पोज में लाना है। अब मैं देखो ये क्लिप को अगर मैं आगे पीछे करूंगा तो कैरेक्टर का जो पोज है वो भी आगे पीछे होगा, तो आपको प्रॉपरली दोनों को सेम पोज में लाना है। आप देख सकते हो बिल्कुल सेम पोज में आ चुका है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको जाके एक बार ब्लेंड में जाके इसका स्क्रीन को जो है उसको ऑफ कर देना है नॉर्मल। अब नेक्स्ट बीट में जाना है हमें और नया वाला जो इमोट है उसको यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा इमोट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ये एडम वाला क्लिप अब हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। दूसरा वाला इमोट यहाँ पे ऐड करना है, फुल स्क्रीन करना है और ये सामने थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन है इसको रिमूव कर देना है ट्रिम करके। अब इसको भी बीट के एंड पे जाके ट्रिम कर देना है। अब एक और दूसरा वाला इमोट आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको ट्रिम कर देना है, इसको पिछले वाले क्लिप के साथ ज्वाइन कर देना है। ऐसा ही आपको हर बीट में करना है। बीट के फर्स्ट में क्लिप को ऐड करना है और एंड पे नया क्लिप ऐड करना है। सारे क्लिप्स ऐड होने के बाद ये वीडियो कुछ इस तरह का दिखेगा।
आपको नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है काइन मास्टर पे, उसका साइज 9:16 होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे जूम करना है हमें, एडम को बिल्कुल प्रॉपरली लेना है हमें जूम करके। देखो गाइस, ऐसे जूम करके बिल्कुल प्रॉपरली कैरेक्टर बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अब आपको जहां जहां पे इस वीडियो में बीट है वहां वहां पे आपको मार्क करना है, मतलब हर दो इमोट के बीच में जो होता है वहां पे आपको ध्यान से मार्क करना है, ऐसे पूरा वीडियो के साथ करना है। और उसके बाद हम उसमें जो फ्लैश इफेक्ट होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो में अच्छे से बीट ऐड करना है। अब पूरे क्लिप में जहाँ जहाँ पे बीट था मैंने वहाँ वहाँ पे ट्रिम कर दिया है वीडियो में। अब आपको व्हाइट बैकग्राउंड लेना है, इसको पूरा स्क्रीन पे अच्छे से फिट करना है। फिट करने के बाद इसको ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके ओवरले करना है। ओवरले करने के बाद जो प्लस वाला जो है क्लिप में, आधा व्हाइट वाला जो इमेज है उसको आधा राइट साइड और आधा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। उसके बाद आपको एनिमेशन में जाके इसका इन एनिमेशन फेड और आउट एनिमेशन भी फेड कर देना है। अब इस क्लिप को आपको डुप्लीकेट करना है, जो व्हाइट वाला इमेज है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको जो सेकंड वाला प्लस है वहाँ पे जाके बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट करना है। प्लस वाले के आधे राइट में और आधे लेफ्ट में होना चाहिए व्हाइट वाला इमेज को, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसा होना चाहिए। अब पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ पे आपने मार्क किया था उसी प्लस में आपको हर क्लिप में ऐसे व्हाइट इमेज को ऐड करना है। जैसे आप देख ही सकते हो मैंने पूरे क्लिप में हुए व्हाइट वाले इमेज को ऐड कर रखा है। अब ये वीडियो काफी आसान लगेगा, वहाँ पे देख ही सकते हो। अब वीडियो को आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। अब इसमें हाईलाइट मोशन की मदद से आपको ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। उसका वीडियो मैं आपको बाद में अलग से बना के दे दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।